गुड मॉर्निंग क्लास 12। इनकम डिटरमिनेशन चैप्टर्स के दो न्यूमेरिकल्स और हैं नए पैटर्न पे जो हम डिस्कस करेंगे बेटा आज। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। क्या कहता है फर्स्ट लाइन कि एक इकोनॉमी है जहां पर जितनी भी इनकम बढ़ती है, जितनी भी बढ़ रही है, उसका वो 60% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। ₹4 करोड़ आर इन्वेस्टेड, अगर 4 करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे किसी प्रोजेक्ट में तो हमें क्या करना है फाइंड बेटा। जैसे लिखा हुआ एक स्टेटमेंट, इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम्ड कर रहे हैं उसे हम। इसका मतलब हमें क्या बताना चाह रहा है, किसकी वैल्यू बताना चाह रहा है, ये क्या निकाल देंगे हम इसकी हेल्प से, MPC कंजप्शन, क्योंकि डेल्टा वाई इनकम बढ़ी तो कंजप्शन भी बढ़ी डेल्टा सी। अगर मैं लेट कर लूँ लेट कि जो इनकम है वो 100 से चेंज हुआ तो डेल्टा सी कितना हो जाएगा, 60% है ना, तो 60 MPC क्या हो जाएगा, 60/100 यानी 0.6। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस स्टेटमेंट के आगे, MPC इज 0.6, पॉइंट लगाया, परसेंटेज हटाया, वैल्यू ऑफ MPC निकल गया। अगर यहाँ पे सेव्ड होता कि कल इनकम बढ़ रही है और उसका 60% वो सेव कर रहा है तो फिर ये वैल्यू हमारी MPS की बन जाती है। कंजप्शन है, बढ़ती हुई इनकम का वो कुछ पार्ट कंज्यूम कर रहा है, MPC बढ़ती हुई इनकम का कुछ पार्ट वो सेव कर रहा है, तो वो हमारा MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। दोनों में ही सेम है, आगे पॉइंट लगाया आंसर आ गया, पर अभी ये आंसर नहीं है, अभी तो हमने MPC निकाला है। अब क्वेश्चन में कहता है कि इन्वेस्टमेंट उसने और करा 4 करोड़ का, हमें निकालना है कि कितना तो उसका इनकम बढ़ी होगी और कितनी उसकी सेविंग्स बढ़ी होंगी, डेल्टा वाई और डेल्टा एस निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ के, 1/1 MPC यानी 1/1 -0.6, 1/0.4, पॉइंट हट जाएगा ऊपर जीरो आ जाएगा तो हमारी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 सॉरी के की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.5। ठीक है, अब हम के से क्या निकाल देंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई सॉरी के 2.5, डेल्टा वाई पता नहीं, डेल्टा आई कितना था 4, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 10, यानी इनकम में कितना चेंज आया 10 का। हमें डेल्टा एस भी निकालना है तो MPS इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अगर हमारे पास MPC 0.6 है तो MPS कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, यहाँ पर 0.4, डेल्टा एस पता नहीं, डेल्टा वाई हमारा आया था 10, तो डेल्टा एस कितना हो गया, 4। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट, 10% राइज इन इनकम इज सेव्ड, यहां पर सेविंग आ गई। अब 10% राइज इन इनकम इज सेव्ड, बचा ली, तो यानी MPS के बने कितना, 0.1, MPC कितना हो जाएगा, 0.9। लिख लिया, जरूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं पड़ेगी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, फ्रेश इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई 120 है, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है और डेल्टा सी कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे, के इज इक्वल्स टू 1/MPS कर लो, यानी 1/0.1, पॉइंट हट गया, जीरो लग गया, वैल्यू ऑफ के हमारी 10 आ गई। ठीक है, और जब वैल्यू ऑफ के हमारा 10 आ गया तो अब हम के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई रखेंगे, के 10 है, डेल्टा वाई निकालना है
और डेल्टा आई कितना था हमारे पास 120, तो फिर डेल्टा वाई कितना आ गया 1200, यानी इनकम 1200 से बढ़ रही है। डेल्टा सी भी निकालना है, एम पी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एम पी सी हमारा 0.9, डेल्टा सी पता नहीं, डेल्टा वाई हमारा कितना आया था अभी 1200, ठीक है। तो डेल्टा सी कितना हो जाएगा 1200 इंटू में 0.9, यानी डेल्टा सी हो गया हमारा 10 1080। क्लियर टू ऑल? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल। देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास कंजप्शन फंक्शन गिवन है, वैल्यू ऑफ आई गिवन है, इक्विलिब्रियम लेवल का इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल का कंजप्शन निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल अगर हमारे पास जिक्र हो गया, इसका मतलब एस और आई क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, इनकम जो है वो सी प्लस एस के बराबर होती है, और एस किसके बराबर है, आई के, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो वी कैन राइट सी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, सी प्लस आई लिख सकते हैं हम उसे। अब क्या करेंगे, इस C की जगह पे ये पूरी इक्वेशन रख देंगे और I की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे। तो Y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75 Y प्लस I की वैल्यू है हमारी 1000। अब पूरी इक्वेशन Y में हो गई है, तो Y की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हो गया हमारा 1100, ठीक है बेटा। तो Y हो जाएगा 1100 अपॉन में 0.25, यानी इनकम आ गया 4400 हमारी क्या हो गई, इनकम। अब जब इनकम आ गई है तो कंजप्शन भी आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, y 4400, कंजप्शन पता नहीं, और i हमारा कितना है 1000। तो सी कितना हो गया बेटा हमारा 3400, ठीक है। थैंक यू।